हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका यादव और आज आपसे बात करने वाली हूँ गाउट के बारे में। गाउट, संधिवा या फिर गठिया, जो भी आप इसको बोलते हो, लेकिन सिम्टम्स तो सेम होंगे। आपके उंगलियों में दर्द होता रहता होगा, सुबह उठेंगे तो आप इसे बेंड नहीं कर पाएंगे। आप छोटे छोटे जॉइंट्स में खास करके पेन रहता होगा, वो भी पेन के साथ, जैसे अंदर कुछ बॉयल हुआ हो या फिर कुछ पस हुआ हो, इतना पेन सीवियर आपको होता होगा। कई बार बड़े जॉइंट्स में भी एक प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि नी, हील पेन। तो ये सारे पेन को कैसे छुमंडर करते हैं, उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। और हाँ, जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। सब्सक्राइब कर ले और पास वाला बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको पता चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं गाउट के बारे में, वो कैसे होता है और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन क्या है। मेरी एक 70 इयर्स की पेशेंट थी, जिसको 20 साल से ये गाउट का प्रॉब्लम था और उसको तो गट्ठे हो गए थे। जैसे यहाँ पर एल्बो जॉइंट है तो वहाँ पर उसको 3-4 गट्ठे हो गए थे। वो हाथ भी बेंड नहीं कर पा रही थी और उसकी जो फिंगर है वो पूरी की पूरी नमनेस ही रहती थी उसमें, यानी कि उसको टिंगलिंग सेंसेशन रहता था, जैसे उसमें जान ही ना हो, इस तरह से उसको रहता था। कई बार मेडिसिन ट्राई की लेकिन उसको कुछ रिलीफ नहीं हुआ। फिर मैंने उसको होम्योपैथी मेडिसिन दी, और मेडिसिन के नाम मैं आगे बताने वाली हूँ। उसको मैंने मेडिसिन दी और उसको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में रिलीफ हो गया। ये मेरा पहला ऐसा रिजल्ट था इस गाउट में कि 20 इयर्स का जो टोफाई था, 20 इयर्स के जो गट्ठे थे, वो सिर्फ 1 महीने में ही पिघल गए। तो मैंने सोचा चलो इसका वीडियो बना ही देती हूँ। और सारे जो लोगों को गाउट की प्रॉब्लम, जो जैसे गट्ठे प्रॉब्लम्स रहती है, जिसको मॉर्निंग में और नाइट में इतना सीवियर पेन बेयर करना पड़ता है, उसके लिए ये वीडियो स्पेशल है। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सो बेसिकली गाउट में होता क्या है, हमारे जो बॉडी में यूरिक एसिड होता है, जो खाने में से हमारे बॉडी में जाता है, वो यूरिक एसिड डाइजेस्ट ना होके, यूरिन में पास आउट ना होके हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और फिर वो हमारे जॉइंट में क्रिस्टल जैसे बना के वहाँ पर फंस जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो किडनी में जाके यूरिक एसिड स्टोन भी बना देते हैं, जो मैंने अपने रिनल स्टोन के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो रिनल स्टोन के लिए मेरी जो लिंक दी गई है वहाँ पर जाके रिनल स्टोन का वीडियो भी देख सकते हैं और उसकी डिटेल मेडिसिन और ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। तो जनरली जो क्रिस्टल बन जाते हैं यूरिक एसिड के, वो जॉइंट में स्टिफनेस ला देता है और जब भी जॉइंट मूवमेंट होती है तो वहाँ पर पेन रहता है। ये ज़्यादातर नाइट में पेन एग्रैवेट होता है, यानी कि रात में जब आप सो जाओगे तो ये आपको सोने नहीं देगा और इस तरह से आपको अंदर ऐसा पेन होगा जैसे अंदर बॉयल हुआ है, पस हुआ है और इसको बाहर निकाल देना है मुझे, इतना सीवियर पेन हो रहा होगा। ये जनरली ग्रेट टोम होता है, यानी कि जो पैर का अंगूठा बोलते हैं उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट करते हैं। 50% पेशेंट को ये अंगूठे से स्टार्ट होता है, फिर एंकल या फिर हील पेन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ज़्यादातर छोटे छोटे जो भी जॉइंट्स होते हैं उसमें होता है, लेकिन जब भी ये क्रोनिक में जाता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो फिर ये पूरी बॉडी के जॉइंट्स में फैल जाता है। मैंने कहीं ऐसे पेशेंट को देखे हैं जिसको मैं पूछती हूँ कि भाई कितने साल से आपको ये तकलीफ़ है, तो ये 1 या 2 साल होते ही नहीं है, 15 साल 20 साल, या फिर ऐसे बोलते जब से मुझे याद है तब से मुझे, जब भी विंटर आता है, जब भी मानसून आता है तो मुझे पेन एग्रावेट बोलता है। हमारे गुजराती में उसको वाक की प्रॉब्लम बोलते हैं, मुझे वाक की बीमारी है और मुझे पहले से ही थी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए कोल्चिसिन करके एलोपैथी मेडिसिन आती है, जो हर एमडी, जो हर फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ यूरिक एसिड को डाउन करता है, पेन की रिलीफ नहीं करता है। यूरिक एसिड डाउन करने के लिए तो हम फूड में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यूरिक एसिड डाउन हो जाएगा, लेकिन पेन का सिम्टम मेन है, उसकी जो कंप्लेन है वो इतनी सीवियर है कि जो पेशेंट है उसको ही पता चलता है कितनी सीवियर पेन है। तो उसके लिए पहले तो मैं बता दूँ कि हमें मेडिसिन कैसे लेनी, कौन से लेनी, मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं अपने थोड़ा सा डाइट के लिए बता दूँ, डाइट में आपको क्या क्या चेंजेस करने होंगे, डाइट में आपको क्या क्या नहीं खाना है मैं पहले बता दूँ। आपको सी फूड नहीं खाना है, मीट, फिश, मटन ये बिल्कुल बंद कर देना है। फ्रुक्टोज वाली आपको कोई भी चीज़ नहीं खाना है, पेस्ट्री, चॉकलेट ये सारी आइटम भी आज से बंद।
तीसरी बात, आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। ये तीन चीज़ें आपको खास ध्यान में रखना है, सी फूड, मीट, मटन, अल्कोहल और फ्रुक्टोज, ये वाली खुराक आपको बंद कर देनी है। तो अब आपको क्या खाना है जो खाने से यूरिक एसिड लेवल डाउन होगा? जी हाँ, खाने से यूरिक एसिड लेवल डाउन होते हैं। उसमें पहला आता है कोकोनट वाटर। नारियल पानी पीने से किडनी का प्यूरा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें यूरिक एसिड फर्स्ट आता है। वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिक एसिड का नाम टॉप लेवल पर है, तो जो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फ्लस आउट हो जाएगा, यानी कि आपको क्लियर यूरिन आ जाएगा। तो वो आपको नारियल पानी रोज एक लेंगे तो आपको ये यूरिक एसिड की जो टेस्ट करवाएंगे उसमें कम आ जाएगा। यूरिक एसिड ज़्यादा आने पर पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें। 30 दिन तक आपको नारियल पानी टेस्ट लेना है, 30 दिन बाद अपना रिपोर्ट फिर से करवाना है। यदि उसमें यूरिक एसिड हाई आता है तब भी आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो नारियल पानी यूरिक एसिड के लिए पहली और बेस्ट मेडिसिन है। दूसरा आता है विटामिन सी रिच फूड। विटामिन सी यानी कि मैंगो, पपैया, मेनली तो ऑरेंज, संतरा और नींबू, ये विटामिन सी रिच फूड लेंगे तो यूरिक एसिड अपने आप डाउन हो जाएगा। और चेरीज यानी कि चेरीज खाने से भी यूरिक एसिड डाउन होता है, तो आज ही जाइए चेरीज ले आइए और खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सारी बातें थी खाने के लिए। अब बात करते हैं मेडिसिन की, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है और कब कब लेनी है। यूरिक एसिड जब बढ़ेगा, जब हाई पीक पर होगा तो एक्यूट अटैक आएगा, यानी कि वो अटैक ऐसा होगा कि अभी आप बैठे हैं, पेन नहीं है, सडन आपको पेन स्टार्ट होगा और 2 या 3 घंटे में वो पेन पीक पर चला जाएगा, अनबेरेबल पेन होगा, शायद आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़े, इतना सीवियर पेन होगा। तो मैं आज आपको ये मेडिसिन बताऊंगी कि उस एक्यूट पेन में आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, और जब भी क्रोनिक पेन यानी कि हाँ चलता रहता है, पेन हर रोज़ होता रहता है, तो उस पर उसको घटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। आपको गाउट में कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, यानी कि जॉइंट पेन हो रहा हो, आपको नी में पेन हो रहा हो, या फिर एंकल में, आपकी पेनी में, एडी में पेन हो रहा हो, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो सबसे पहले बात आती है बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके गाउट की टेंडेंसी को ब्रेकआउट कर देगी, जो आपकी गाउट की टेंडेंसी को डिलीट कर देगी। सबको गाउट नहीं होगा, सबकी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, फ्लस आउट हो जाता है, तो उसको गाउट की प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन आपकी बॉडी में क्यों ही गाउट होता है, जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो यूरिक एसिड बनता है वो फ्लस आउट ना होके बॉडी में रह जाता है, फिर वो स्टोन बनाए या फिर जॉइंट में डिपॉजिट हो। तो आपकी बॉडी से ये डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, बेंजोइक एसिड लेनी होगी। बेंजोइक एसिड 1 mg डोज में लेनी है रात को सोते समय, वीक में 2 बार। तो रात को सोते समय क्या करना होगा, 10 गोली आपके मुंह में रख के चूस लेनी है। बेंजोइक एसिड 1 mg की 10 गोली रात को सोते समय वीक में 2 बार लेनी है। दूसरी मेडिसिन है लेडमपाल। लेडमपाल ऐसी मेडिसिन है जो आपको पेन को कंट्रोल करेगी, जो आपके पेन को रिलीव कर देगी। आज आपने लेडमपाल स्टार्ट की तो दूसरे दिन आपको पेन में 60-70% रिलीफ हो गई होगी। लेडमपाल मेन मेडिसिन है आपके पेन के लिए। तो वो किस तरह से लेनी है, लेडमपाल 200 लेनी है। लेडमपाल 200 6 गोली दिन में 4 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को। ये 6 गोली आप लीजिएगा, उसके 15 मिनट पहले कुछ खाना नहीं है, 15 मिनट बाद में कुछ नहीं खाना है। इस तरह से दिन में 4 बार लेडमपाल लेंगे तो आपको ये पेन, जो गाउट का पेन है, जो उंगलियां आपको बेंड नहीं हो पा रही है, आप ठीक से चल नहीं पा रहे, इतना सीवियर हील पेन हो रहा है, या फिर आप नी बेंड नहीं कर पा रहे, कितना भी सीवियर पेन होगा वो पेन ये लेडमपाल से चला जाएगा। तो लेडमपाल कैसे लेनी याद रख लीजिए। तीसरी मेडिसिन है रस्टोक्स 200। रस्टोक्स 200 आपको लेनी है दिन में 4 बार 6 गोली। रस्टोक्स 200 6 गोली दिन में 4 बार। लेडमपाल आप ले रहे होगे, लेडमपाल के 15 मिनट बाद आपको रस्टोक्स ले लेनी है। तो ये 3 मेडिसिन आपकी मेन हो गई, बेंजोइक एसिड 1 mg, लेडमपाल 200 6 गोली दिन में 4 बार, रस्टोक्स 200 6 गोली दिन में 4 बार। फ्रेंड्स, आप ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक लेंगे तो आपका जो गाउटी सिम्टम्स है, जो नोड्यूल्स है, जो आपको पेन है, वो सब चला जाएगा। और आप फ्रेंड्स इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करने ना भूलिए, जल्दी से जल्दी नीचे दिया गया लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएगा, सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए और पास वाला बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए, जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ, आपको पता चल सके। और आप फ्रेंड्स और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए।
और आपके कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, आप पूछना चाहते हैं, पर्सनल हिस्ट्री देना चाहते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में ना बता सके, तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों है, वहाँ पर जाके सिर्फ इतना ही बोलना है, प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आगे आपको मेरी टीम गाइड कर देगी कि आपको क्या करना है। तो आज ही अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।